सौ शेरों की ताकत रखने वाला विशाल राघव पिछले 20 सालों से भल्लाल की ऐसी कैद में मौजूद है जहां उसे सांस लेने का मौका नहीं मिलता। राघव पिंजरे में कैद अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा था। राघव को बस मिलता था एक थोड़ा सा खाना जिसे खाकर वो इतने बड़े वजूद के साथ जिंदा रह सके, क्योंकि भल्लाल के पास एक ऐसी जादुई शक्ति वाली मनी थी। वो सिर्फ तब काम करती थी जब राघव को उसके सामने ले जाया जाता था। इस जादुई मनी में इतनी ताकत थी, एक ही बार में इसमें से बहुत सा खजाना, बहुत सा पैसा और हजारों हीरे बाहर निकल आते थे। लेकिन क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भल्लाल के पास ये जादुई मनी आई कहां से? दरअसल आज से 30 साल पहले वीर बादशाह इस जंगल का राजा था। एक दिन वीर बादशाह का दोस्त रंगीन चीता वीर बादशाह की गुफा पे आता है और खुशी से कहता है, वीर ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज से 2 दिन बाद वो जादुई मनी काम करने लग जाएगी और उसमें से जितना चाहोगे उतना धन दौलत बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी जादुई मनी की तलाश बहुत से दुश्मनों को भी होती है। मैं चाहता हूँ उस जादुई मनी का सबब मैं तुमसे जोड़ दूँ, जब तुम उसके सामने होगे वो काम करेगी। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ रंगीत जीते, मेरा बेटा राघव का जंगल आ रहा है, मुझे अपने बेटे पे बहुत नाज है, तुम मेरे बेटे के साथ ही उस जादुई मनी को जोड़ देना। उन दोनों के बीच हो रही ये सारी बातें पास ही में छुपा भल्लाल सुन लेता है और वो आग से भड़क जाता है। जहाँ वीरू अपने बेटे के जंगल में आने की तैयारियां कर रहा था, वहाँ राघव जादुई मनी के लालच में बहुत से सिपाहियों को अपनी गुफा में बुलाता है। इधर राघव भी अपने जंगल आ जाता है, तब वीर बादशाह और रंगीन चीता उसकी मिल के बहुत सी सेवा करते हैं और उसे खाने के लिए बहुत सी चीजें देते हैं। एक दिन रंगीन चीता वीर और राघव के पास आता है और राघव को उस जादुई मनी के बारे में सारी बातें समझा देता है। अब वीर बड़ा ही खुश नजर आ रहा था क्योंकि वो जादुई मनी काम करना शुरू कर चुकी थी। तब रंगीन चीता अपनी शक्तियों की मदद से उस जादुई मदद का संभव राघव के साथ जोड़ देता है, जिसे राघव एक विशाल रूप में आ जाता है और अपने आप को बड़ा शक्तिशाली महसूस करने लगता है। देखो राघव, जब तुम इस मनी के सामने हो गए ये मनी वह भी काम करेगी। ये सारा कुछ होते हुए पास ही में छुपा हुआ भल्लाल का एक सिपाही देख लेता है और अपने महाराज भल्लाल के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुन भल्लाल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कुछ देर बाद भल्लाल अपनी सेना के साथ राघव की गैर मौजूदगी में वीर बादशाह की गुफा पे आता है और उसे मार मार कर मौत के घात उतार देता है और अपने सिपाहियों से कहकर उसकी लाश को अपनी गुफा के पीछे छुपा देता है। कुछ देर बाद विशाल राघव जब अपनी गुफा में पहुंचता है, वहां भल्लाल और उसके सिपाहियों को देखकर चौंक जाता है। तब भल्लाल कहता है, देखो राघव, वो जादुई मनी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो क्या, तुम मेरे साथ क्या कर लोगे, मैं वो जादुई मनी तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। देखो राघव, अगर तुम अपने पिता को जिंदा देखना चाहते हो तुम्हें ये मनी मुझे हवाले करनी होगी, नहीं तो तुम्हारे पिता को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हवाले ये जादुई मनी कर देता हूँ, तुम उन्हें कुछ ना होने देना। तब राघव ने मजबूरन होकर अपने आप को और उस जादुई मनी को भल्लाल के हवाले कर दिया। ये देखकर भल्लाल बेहद खुश हुआ। उस दिन से भल्लाल राघव के खाने में कुछ ऐसा विष मिलाता रहा जिसे खाकर राघव का जिस्म कुछ ही दिन में अधमरा हो गया। तुम क्या समझे, हमने तुम्हारे पिता को अब तक जिंदा रखा है, उसे मरे हुए कर्सा हो चुका है, अब पड़े रहो यहाँ पर। भल्लाल के जुल्मों से अब राघव बिल्कुल पक चुका था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भल्लाल के सिपाहियों के पास एक सिपाही आकर कहता है, महाराज भल्लाल ने तुम्हें किसी काम से अपनी गुफा में बुलाया है, तुम्हें अभी जाना होगा और जब तुम यहाँ पर आओगे तब तक मैं इसका पेड़ा देता रहूँगा। ठीक है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, हम आते हैं। ये सुनकर भल्लाल के सारे सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। इधर पहरेदार बाघ अपनी खाल उतारकर एक चीते के रूप में आ जाता है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए, अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। दरअसल भल्लाल ने जब वीर के ऊपर हमला किया था तो ये सारा सीन पास ही में छुपे हुए रंगीन चीते ने देख लिया था और भल्लाल की धोखेबाजी को समझ चुका था। तब रंगीन चीता एक बड़े वैद्य के पास राघव को ले आता है और उसका इलाज करवाने लगता है। कई महीने के इलाज के बाद राघव अपनी पुरानी हालत में वापस लौट आता है। तब रंगीन चीता के याद दिलाने पर राघव को सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगती है, जिसे देखकर राघव बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब राघव आग बगुला होकर भल्लाल की गुफा पे जाता है और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है और अपना बदला ले लेता है और खून में लथपथ करके भल्लाल को एक रास्ते में टांग देता है ताकि वो इबरत का निशान बन जाए। दोस्तों, आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी?
स्टोरी पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें।